खिलाड़ियों के बीच में हुई फाइट तो वही जो कल जोड़ियां बनाई गई थी तो उनको ही आपस में भिड़ा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी एपिसोड 8 की। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि तीन जोड़ियां थी जो कि अनसेफ थी, जिनके पास था फेयर फंदा। जोड़ियां थी प्रतीक एंड जन्नत, कनिका एंड रुबीना एंड फैजू एंड शिवांगी। तो इन्हीं 6 कंटेस्टेंट्स के स्टंट्स दिखाए गए थे इस एपिसोड में। सबसे पहले स्टंट की बारी थी कनिका एंड रुबीना की, जो कि एक ऑस्ट्रिच बेस्ड स्टंट था। जैसे ही स्टंट स्टार्ट हुआ, कनिका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन रुबीना को अपने ऑस्ट्रिच मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि रुबीना को जो ऑस्ट्रिच नहीं मिल रहे थे वो इसलिए थे क्योंकि कनिका अपने नंबर छोड़ के रुबीना वाले नंबर्स वाले ऑस्ट्रिच को अंदर डाल रही थी। तो रुबीना को थोड़ी मुश्किल हुई अपने ऑस्ट्रिच फाइंड करने में, लेकिन एट द एंड उन्होंने बाकी बचे हुए ऑस्ट्रिच को डाला एंड जो कनिका ने ऑस्ट्रिच गलत डाले थे उन्हें बाहर निकाला गया एंड रुबीना ने वो भी सबसे पहले वो भी अपने सेक्शन में डाल के इस स्टंट को जीता। लेकिन इस स्टंट के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है सबसे हाईलाइटेड सेक्शन इस एपिसोड का, जहाँ रुबीना दिलाइक टास्क जीतने के बावजूद उदास नजर आ रही थी। तो रोहित शेट्टी के पूछने के बाद रुबीना ने बताया एंड जो उन्हें पता चला जो कनिका के उन्होंने देखा वो उन्हें कुछ अच्छा लगा कि कनिका ने जाके स्टंट से पहले इस स्टंट के रिलेटेड कुछ सर्च किया और ये पूछने के बाद कि फोन तुम्हारा है कनिका ने मना किया। तो वो चीज थोड़ी खटकी यानी इसी बात पे एक बिग बॉस की छोटी सी जैसे फाइट होती थी वो नजर आई। जब प्रतीक के साथ थोड़ी कहा सुनी स्टार्ट हुई तब बोला तुम मेरे साथ यहाँ बिग बॉस खेलने की कोशिश मत करो। रोहित शेट्टी ने भी यही बोला कि स्टंट से पहले किसी चीज की इन्फॉर्मेशन लेना हेल्पफुल हो सकता है स्टंट के अंदर, तो ये ठीक नहीं था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टंट पे जिसके अंदर दो जोड़ियों ने परफॉर्म किया, जन्नत एंड प्रतीक एंड शिवांगी एंड फैजू। स्टंट अंडरवाटर स्टंट था। सबसे पहले स्टंट को परफॉर्म करने के लिए गए जन्नत एंड प्रतीक ने स्टंट स्टार्ट होने से कुछ देर बाद ही स्टंट को अबॉर्ट कर दिया। वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने अबॉर्ट का साइन दिखा दिया, लेकिन जन्नत ने स्टंट में कमाल कर दिया। हालांकि वो स्टंट जीत चुकी थी पहले ही जब प्रतीक ने स्टंट को अबॉर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद रोहित शेट्टी के कहने पे कि स्टंट को कंप्लीट करो मजा आएगा, जन्नत ने बहुत बहादुरी से उस स्टंट को कंप्लीट किया। उसके बाद बारी आती है फैजू एंड शिवांगी। दोनों ही स्टंट कंप्लीट करने की कोशिश की लेकिन फैजू जल्दी करके बाहर आ गई। तो अब एलिमिनेशन में सीधा सीधा पहुंचती थी पिछले स्टंट से कनिका, तो इस स्टंट में हारकर प्रतीक एंड शिवांगी पहुंचे एलिमिनेशन स्टंट में। अब बारी थी एलिमिनेशन स्टंट की, जो कि था एक रोटेटिंग बॉक्स के अंदर कंटेस्टेंट्स को डाल दिया जाएगा एंड उसके अंदर बहुत सारे अर्थवर्म थे। ये एक टाइम बेस्ड स्टंट था। इसके अंदर सबसे पहले गई शिवांगी, उसके बाद गई कनिका, उसके बाद गए प्रतीक। तीनों ही कंटेस्टेंट ने स्टंट को कंप्लीट किया। कनिका ने यह स्टंट सबसे पहले कंप्लीट किया। कनिका ने लिए 2 मिनट्स एंड 51 सेकंड इस स्टंट को कंप्लीट करने के लिए। प्रतीक एंड शिवांगी के बीच में सिर्फ 10 सेकंड का गैप था, जिसके अंदर प्रतीक ने यह स्टंट कंप्लीट किया 4 मिनट एंड 40 सेकंड। तो शिवांगी ने 10 लेते हुए स्टंट को कंप्लीट किया 4 मिनट्स एंड 50 सेकंड में। जैसे शिवांगी ने ज्यादा टाइम लिया तो इस स्टंट को हार कर शिवांगी होती है इस हफ्ते एलिमिनेट। तो यहाँ पे होता है एपिसोड खत्म, शिवांगी हुई इस हफ्ते एलिमिनेट। कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे लगा एपिसोड 8 खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।